आप बताओ आप क्या कह रहे हैं सर। उपद्रव करने के अलावा कुछ भी नहीं रहा है। 2 साल 3 साल से भर्ती नहीं हुई। जो बच्चे ये सोच रहे थे कि हम अगली साल या इस साल सेना में अब मतलब हम लग जाएंगे, अब वो ओवर एज हो गए। उनको उनके लिए तो कोई एज का रिलैक्सेशन है नहीं, उल्टी घटा दी। अब इस उपद्रव को देख के फिर बढ़ाई है, इसमें हमको तो कोई फ़ायदा मिला नहीं, इसीलिए तो इतना उपद्रव हो रहा है। जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं जिनके लिए खाने गुस्से के साथ, क्या दुख भी है? दुख है सर, बहुत दुख है। इस अग्निपथ योजना से इतने युवाओं ने मौत कर ली है, कल भी एक ने फांसी लगा ली है। 17 तारीख को और यहाँ के 5:30 बजे से यहाँ के युवा भी लगाने के लिए सोच रहे हैं। पहले उनको समझाना पड़ रहा है ढंग से कि ना लगाएं ना लगाएं। इस लड़के को देख लो, रो रहा है, अब भी रो रहा है, आंखों में आंसू, देख लो। भाई को बहुत दुख है, इनका मतलब इनका सिर्फ एग्जाम रह गया है, वो हो जाए वो क्लियर है, भाई को बहुत खुशी मिलेगी। अब ये देखो, ये क्या आपके दोस्त बता रहे थे कि क्या भाई अभी रनिंग करके आया? सर मैं सर इतना डीमोटिवेट हो गया है सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था सर, इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया था सर मेरे माइंड में कि मैं करूं तो करूं क्या सर। मैं सर 3 साल से इसके लिए बैठा हूं सर, मैं जब से मैंने सर कुछ समझा है तो मैंने एक ही चीज़ समझी सर, मेरे को आर्मी में जाना है। घर वाले बोलते हैं पुलिस के लिए तैयारी कर ले, मैंने घर वालों के लिए मना कर दिया, मैं जाऊँगा तो आर्मी ही जाऊँगा मैं। अब सर मेरे को अचानक ये खबर मिलती है कि तेरी भर्ती कैंसिल हो गई, तो सर मैं क्या करूं सर, तुम बताओ। मेरा पानी में कूद गया सर, बिल्कुल कूद गया था सर, मैं करूं तो करूं क्या बताओ। जिसके लिए सर मैं मर रहा हूं, जी रहा हूं सर, 3 साल से सर तैयारी कर रहा हूं सर मैं, तो उसके लिए मैं करूं तो करूं क्या, खुदकुशी करूंगा सर, क्या करूंगा। इस तरह का तरीका नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सरकार संशोधन ला रही है। देखिए जैसे पलवल में हुआ या रोहतक में, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसकी एज 23 साल हो गई थी, उसको लगा कि अब हमारी एज निकल गई है, फिर उसके अगले दिन सरकार ने संशोधन किया, उसको 23 साल कर दिया। तो इस तरीके के फैसले लेने से बचना चाहिए, हमारा ही मानना है। हाँ तो सर वो तो सर आपकी बात ठीक है, लेकिन सर मेरे भी सर माइंड में बता दो, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना सर स्ट्रेस हो गया था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था जब एक साथ ये फैसला आया कि आपकी भर्तियाँ सब पुरानी जो हैं वो सब रद्द कर दी गई, तो सर मेरे को इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था कि मैं करूँ क्या, जिसके लिए मैं 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मर जी रहा हूँ उसके लिए। मैं घर वालों को बोल दिया मैं किसी के लिए तैयारी नहीं करूँगा, ओनली आर्मी के लिए तैयारी करूँगा, तो मुझको सर ये तो आएगा ही आएगा, बताओ सर मैं क्या करूँ फिर, मैं आगे जाकर मैं क्या करूंगा सर। मैं अब समझा के लेके आते कल इसको, अभी मतलब अभी जा रहा था कहीं भी है, घर से फिर पकड़ के लेके आया, रोज जा रहा दिल्ली जाने के लिए, पैदल पैदल निकल जाता है, पर क्या करें आदमी, इसको दोबारा लेके आते, सरकार सुनी नहीं रही किसी की, सरकार को सुनना चाहिए, नहीं तो विधायकों की पेंशन भी बंद कर दो 2 साल के लिए उनको रख के। 5 साल के विधायक बनता है और उसकी जिंदगी भर तक पेंशन होती है, लेकिन हमारे सिर्फ 4 साल और 11 लाख रुपए दे के बहकाए भुसकाए के भगा दिए साहब, ले जाओ और भग जाओ। क्योंकि और अपने बेटे को 4 चक्कर लगा के दिखा दे ग्राउंड में दोपहर में, हम मान जाए, हम इसका फिर समर्थन करने लग जाएंगे, पर आज तक किसी का नेता का लड़का गया उसमें, आज तक नहीं गया है और ना ही जाने वाला, देख लेना। उनके बेटे तो आराम से एसी में बैठ के चक्कर मजे लेते हैं,